से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार मानवता के हक में। ये कोरोना के बारे में तरह तरह की अफवाहें हमारे मुसलमानों हमारे गांव में जो फैल रही है, तो इसके बारे में आप तफसील से क्या बताना चाहेंगे? अफवाह के बारे में तो ऐसा रहता है कि भाई कुछ भी मतलब अफवाह सही नहीं रहती। अपने अगर अफवाह अपन किसी अपने को पता चलता है अफवाह तो अपन बिना तस्दीक के उस पर भरोसा कर लेते, लेकिन उसकी तह तक जाना अपना काम है ना। मतलब अफवाह का अगर किसी को मामूली भी बुखार आया तो उसको लोग ज़्यादा बता देते ज़्यादा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं रहता है अपने और अपने माशरे में ऐसा है कि थोड़ा सी भी कुछ देखते उस पर यकीन कर लेते, लेकिन उसकी तय तक जब जाएंगे अपने को तो अपने को उसकी हकीकत मालूम पड़ती है कि भाई ऐसा एक्चुअल में कुछ रहता नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ पे डेली वैक्सीन एक सेंटर नहीं है, अपने मालेगांव में 14 सेंटरों पे ये वैक्सीन लगाई जा रही है और अपने एरिया में तो भी कम है, वाडिया में है, कैंप है, संगमेश्वर है, रोज़ाना 500-500 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन ऐसा कोई भी केस हमारे देखने में और हम लोग ने खुद यहाँ पे हमारे सेंटर से कम 400-500 डोज मार्च से चालू है हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी की ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है कि वैक्सीन लगाने के बाद हमको कुछ ऐसी मेजर तकलीफ हुई है। मामूली बुखार है तो किस आ सकता है, अपन नॉर्मल सुई भी लगाते हैं तो उसका इतना दर्द तो रहता ही है। ये वैक्सीन मतलब वैक्सीन लो आप लोग, वैक्सीन मैं आप लोगों से तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोगों को ये वैक्सीन लेना है हमारे मालेगांव को सेफ करने के लिए, हमारी स्कूलों को सेफ करने के लिए ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर वैक्सीन लेने के बाद आप लोग को ऐसा लगता है कि बुखार, हम लोग बोल के देते हैं कि 100 में से 10 लोगों को बुखार आ सकता है, हम यहाँ पर पूरी मेडिसिन देते हैं कि अगर आपको बुखार लगता है तो आप ये दवा ले सकते हैं, उसके बाद भी हमारा हेल्थ सेंटर है अपना अब्बास नगर की जो है अब्बास नगर 17 नंबर स्कूल में IMA हेल्थ सेंटर, अब वहाँ पर डेली का हमारा चालू रहता है, किसी को कुछ भी तकलीफ लगती है तो आप वैक्सीन लेने के बाद तो आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं बता सकते हैं हम लोग को। वैक्सीन लगाओ कोरोना भगाओ और वैक्सीन लगाओ मालेगांव को स्वस्थ रखो, यही हमारी आप लोगों से अपील है। वैक्सीन का लगा रहे इसके बारे में आवाम को क्या आप मालूम देना चाहेंगे? मैं शीतल खरना IMA सेंटर से बात कर रही हूँ, सिस्टर हूँ मैं वहाँ पे। लगभग हम 1.5 से 2 साल से ये कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, तब से अभी तक जो अफवाहें आ रही है जैसे कि पहले था कोरोना के बारे में बहुत कुछ अफवाहें आई थी, अभी उसके बाद वैक्सीनेशन चालू हुआ है, वैक्सीनेशन में भी बहुत दिक्कत आ रही थी जब से चालू हुआ तब से, तो जो अफवाहें वो सब गलत अफवाहें, तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि वैक्सीन लगवाओ, अपन खुद भी सेफ रहो, अपने घर को भी सेफ रखो और अपना देश भी सेफ करो। ये अब सब अफवाहें फेंके, ये जो अफवाहें अपने देश के दुश्मन हैं इनके ऊपर विश्वास मत करो। वैक्सीन लगाओ, अपने आप को बचाओ। कोविड के वैक्सीन के बारे में बहुत सारे गलत अफवाहें आ रहे थे कि 2 साल में जो लगाएगा कोविड वैक्सीन वो गुजर जाने वाला है, वो ये सब झूठ है। हम भी 2 साल से लगा चुके, हमारे 2-2 डोज हो चुके, फिर भी हम अभी जिंदा इधर है और लोगों को भी वैक्सीन दे रहे। सब ने वैक्सीन लगाओ और खुद सेफ रहो, फैमिली को भी सेफ करो और कोरोना भगाओ। तो डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मुझे ड्यूटी करते हुए 11 साल हो गया, लेकिन फ़िलहाल 2 साल से मतलब जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कोविड कोरोना बीमारी जब से आई है हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब एरिया में जा के घर जगह जा के लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों का दिमाग बनाना पड़ता है कि भाई इंजेक्शन लो, ये कोरोना की बीमारी से लोग डरते हैं इंजेक्शन लगाने से, कोई बोल रहा है मर जाएंगे कुछ हो, लेकिन ये कुछ ऐसी कोई गलत बात है ऐसा कुछ नहीं है, मौत ज़िंदगी दे, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान खुदा पे है। अगर कुछ होना हो तो इंजेक्शन ना लेने के बाद भी अगर मौत है तो वो तो आनी है, और इंजेक्शन हर एक को लेना है, 2 डोज है, हमारा 1st डोज तो हो गया। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट पे हमारे लिए कंपलसरी था, हम जितने सेंटर पे काम करते हैं हमने सब ने हमारे 2 डोज हो गए, बाकी के जो बच्चे एरिया के लोग उनको हम घर घर जाकर समझा रहे हैं और इंशाल्लाह हो रहे हैं कन्वर्ट, धीरे धीरे जो बाकी है वो भी हो जाएंगे। बस हमारी कोशिश यही है कि हमारे मतलब जितने भी लोग हैं मुसलमान लोग हैं जो भी हो अपने एरिया के, उनको वैक्सीनेशन मिले और वो बीमारी से महफूज रहे। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम जो है
इसी को कोरोना का नाम दिया गया। इंजेक्शन लगाने से जो कुछ तकलीफ भी है तो हमारी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। डरने की कोई बात नहीं, इंजेक्शन लो, अपने परिवार को महफूज रखो, हमारा देश महफूज रहे, हम महफूज रहे, बस आप लोगों से यही ख्वाहिश है, अल्लाह साहब की हिफाजत करें। देखिए कोरोना तो अभी हम 2 साल देख रहे हैं, कोरोना बीमारी जो है जिस तरीके से हमारे यहाँ तबाही मचाई है, उसके लिए ये जो वैक्सीन है कोविड शील्ड वाली, ये बेहतरीन है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करती है, प्लस इसके लगाने से जो हमको खतरात है वो टल जाते हैं। और ये आज हमारे कैंपस में, आज जो मौलाना आज़ाद मॉडल प्राइमरी स्कूल अक्सर एजुकेशन कैंपस के अंदर जो है आज ये कैंप रखा गया है, तकरीबन जो है सलामताबाद, नुमाई नगर, महवी नगर, रौनकाबाद, जो आस पास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस कैंप से फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेरा आज दूसरा डोज था, मैंने ले लिया है और ये सोच कर लिया है कि लगभग आधी दुनिया से ज़्यादा ये डोज ले चुकी है। अगर ऐसा कुछ होता तो जैसे जो डेवलप ममालिक हैं, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये सब जो ऊंचे दर्जे के जो मुल्क हैं, वो उनकी से लगभग पूरी पूरी आबादी ये डोज ले चुकी है, इसलिए हमको इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि नुकसान होगा। असल में अगर ऐसा कुछ होता तो जो डेवलप्ड ममालिक हैं, जो जानकार हैं, जो ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, वो लेते ही नहीं, लेकिन उनके यहाँ सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हुआ है, इसलिए हमको चाहिए कि ये वैक्सीन हम सब ले लें अपनी जिम्मेदारी समझकर। वैक्सीन लगाइए और कोरोना को जो है दूर भगाइए, अपनी सेफ्टी का इंतज़ाम कीजिए। देखिए अभी करीब तकरीबन 2 साल हो चुका था यानी कोविड 19 जब अपने चाइना से माले भारत में जब आया था, तो जब से लेके आज तक तो बच्चों की पढ़ाई का इसमें ख़ास तौर से नुकसान हुआ है और ये कोरोना की वजह से स्कूलें बंद रह रही है। आज अगर हम ये वैक्सीन लगा लेते हैं तो स्कूलें भी चालू हो जाएगी, हमारे बच्चों के लिए आगे राहत भी रहेगी। और रहा सवाल ये इसका, तो सबसे पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमको कोई चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैक्सीन लगाए कुछ होता भी तो हमको अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है, अगर हमारी मौत लिखी है तो वो हर हाल में होंगी, चाहे वैक्सीन लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन ज़रूरी ये है कि वैक्सीन लगा लेना चाहिए। आज वैक्सीन के बारे में तरह तरह की अफवाह चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तकरीबन मेरी मालूमात के हिसाब से तो मैं व्हाट्सअप देखता हूँ, व्हाट्सअप पर मैं पढ़ता हूँ और टीवी वगैरह भी देखता हूँ, तो ज़्यादातर लोग तो ऐसा रिपोर्टें आ रही है कि सब तरफ तो लग चुका है, एमपी है, यूपी है, अपने में हिंदुस्तान में भी, महाराष्ट्र में भी, भिवंडी है, बॉम्बे है, सब तरफ करीब करीब लग चुका है, तो हमारे यहाँ भी लगाना बहुत ज़रूरी है और लगा लेना चाहिए। वैक्सीन लगाओ, कोरोना भगाओ, खुद की भी हिफाजत करो, अपने परिवार की हिफाजत करो और अपने देश की हिफाजत करो।